लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नावेद रबानी, तुम खुद को बचाना चाहते हो तो हमारे सारे सवालों का ठीक जवाब दो। जिहाद, तुम्हारे हर सवाल का जवाब जिहाद है। 7 अक्टूबर डोडा मिलिट्री कैंप, जिसमें हमारे 22 जवान मारे गए, क्या ये हमला तुमने किया था, जिसमें तुम्हारे 4 आतंकवादी साथियों को हमने मार गिराया था? बताओ, बताओ। गलत, हमने अपने 22 दुश्मनों का खात्मा किया। इस ऑपरेशन में हमारे 4 जिहादी शहीद हुए। मतलब तुम मानते हो कि ये साजिश तुमने रची थी? वफाइल हक किसी एक का नाम नहीं है ऑफिसर, नावेद रब्बानी जैसे हजारों लाखों का नाम है। तुम्हारा हेडक्वार्टर कहाँ है और हमारे मुल्क में आतंकवाद फैलाने का काम तुम किसके कहने पर कर रहे हो? हम सभी जानना चाहते हैं कि इस वक्त तुम्हारा संगठन हमें नुकसान पहुंचाने के लिए क्या प्लान बना रहा है, बताओ। तुम लोगों से बातचीत करने के लिए हमें लफ्जों की नहीं गोलियों की जुबान सिखाई जाती है। पर एक बात याद रखना ऑफिसर, नावेद रब्बानी को तुम लोग लंबे अरसे तक अपनी हिरासत में नहीं रख पाओगे, क्योंकि हमारे जिहादी सिपाही जानते हैं तुम्हारी सरकार को घुटनों पर लाने के लिए उन्हें कौन सी नब्ज दबानी है। ओ माय गॉड, दिस इज ब्यूटिफुल।
सॉरी अंकल, आई एम रियली सॉरी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम ये क्यों नहीं समझ रही हो कि एक आतंकवादी ग्रुप तुम्हारे सर के ऊपर मौत की तरह मंडरा रहा है? मेरे और अमरजीत सिंह के मना करने के बावजूद तुम यहाँ क्यों आई? तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकती? तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही तुम्हें हिंदुस्तान से यहाँ लाकर रखा गया है, और तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या जवाब देता? चलो जुनैद भाई, जुनैद भाई, जुनैद भाई। जुनैद भाई, होम मिनिस्टर के बेटे का अटेम्प्ट फेल हो गया है। अंकल, आपने इंडिया जाना कैंसिल कर दिया? हाँ। आई एम सॉरी अंकल, गलती मेरी ही थी। आपके मना करने के बावजूद भी। तुम्हें समझना बड़ा मुश्किल है, बड़ी टेढ़ी चीज हो तुम। बार बार गलती करती हो और उसके बाद मेरे सामने मुंह लटकाकर खड़ी हो जाती हो। सॉरी अंकल, और मैं भी इतना इडियट हूं कि तुम्हारी हर गलती को आखिरी गलती समझ बैठता हूं। हेलो, क्या हाल है कौल साहब? हाँ चौधरी साहब, आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक ठाक है। आप भी जरा अनीता को समझाइए, ये जो कुछ भी हुआ है इसकी नादानी की वजह से हुआ है। जरा बात कराइए मेरी उससे। जी हाँ, लो बात करो डैडी से। हेलो डैडी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ अनीता? डैडी एक्चुअली वो आई डोंट वांट टू हैव एनी एक्सक्यूजेस। और एक बात मेरी कान खोल करके सुन लो कि कॉल साहब जो भी तुम्हें हिदायत दें उन पर पूरी तरीके से अमल करो। अनीता, ये तुम्हारी जिंदगी का ही सवाल नहीं है, ये देश की इज्जत का भी सवाल है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था का मजाक उड़ेगा, समझे आप? जी। मैं आगे से कोई भी शिकायत नहीं सुनना चाहता। ओके ओके डैडी, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, प्रॉमिस। ओके, ये क्या है? अंकल मुझे माफ कर दीजिए, आप भरोसा कीजिए, अब मैं आपके ऑफिसर्स की कोई बात नहीं टालूंगी, वो जैसे कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी। लेकिन आप इंडिया जाना कैंसिल मत कीजिए, अगर शादी रुक गई तो सबका दिल टूट जाएगा और इसके जिम्मेदार सब मुझे ठहराएंगे। देखो, इस बंगले के आसपास 10-12 किलोमीटर तक हमारे कमांडोज जगह जगह तैनात हैं। दुश्मन का इस बंगले की तरफ बढ़ने का इरादा करना मतलब अपनी मौत बुलाना है। ओके अंकल, मैं इस दायरे में ही रहूंगी, लेकिन आप इंडिया जरूर चाहिए। जी तो करता है कि एक धरूं तुम्हारे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर डालकर जा रहा हूं अमरजीत सिंह। आई नो सर। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे बखूबी निभाओगे। डोंट वरी सर, मैं आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। गुड मॉर्निंग मैडम जी, अब आपका क्या इरादा है? अंकल मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ने चलूं। ठीक है, चलो। अंकल आपके घर में और कौन कौन है? मुझ पर हुकूमत करने वाली एक देवी जी है, मेरी पत्नी, और एक बेटा है अजय। अजय क्या करता है वो? वो क्या करता है और क्या करना चाहता है, इन्हीं सवालों के जवाब तो ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मैं चाहता हूँ वो चाहता नहीं, और जो वो करता है मेरी समझ में नहीं आता। मगर ऐसा करता क्या है? ज
चाह जाते हैं छा जाते हैं, हर दिल को ये भा जाते हैं। चाह जाते हैं छा जाते हैं, हर दिल को ये भा जाते हैं। ओ इश्क वतन से या हुस्न से, ये करते हैं तो निभाते हैं हर बात में नंबर वन। इंडियन इंडियन शेर दिल, इंडियन 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 शेर दिल, इंडियन इंडियन शेर दिल, इंडियन 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 शेर दिल। चाह जाते हैं छा जाते हैं, हर दिल को ये भा जाते हैं। हो इश्क वतन से या हुस्न से, ये करते हैं तो निभाते हैं हर बात में नंबर वन। इंडियन इंडियन शेर दिल, इंडियन 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 शेर दिल, इंडियन इंडियन शेर दिल, इंडियन। नेहरू और गांधी लाए एक आंधी, आए जोश में फौजी, फिर गया डलोजी। आजाद भगत सिंह, उधम सिंह ने चला दी गोली टन। इंडियन इंडियन शेर दिल, इंडियन 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 शेर दिल, इंडियन इंडियन शेर दिल, इंडियन 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 शेर दिल। यहाँ मदर टेरेसा दे शांति संदेशा, झांसी की रानी दे गई कुर्बानी। राणा प्रताप के आगे कभी ठहरा न कोई दुश्मन। इंडियन इंडियन शेर दिल, इंडियन 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 शेर दिल, इंडियन इंडियन शेर दिल, इंडियन। यहाँ राम रमैया, यहाँ कृष्ण कन्हैया, इस देश के दानी, इस देश के शानी। यहाँ सोने जैसी मिट्टी है, जल अमृत सा पावन। इंडियन इंडियन शेर दिल, इंडियन 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 शेर दिल, इंडियन इंडियन शेर दिल, इंडियन 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 शेर दिल। इंडियन सोने सोने, इंडियन 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 सोने सोने, इंडियन इंडियन सोने सोने, इंडियन 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 सोने सोने। इंडिया दे मुंडे, ओए ओए ओए, इंडिया दिया कुड़िया, ओए ओए ओए, मीठी बातें, ओए ओए ओए, मिसरी दिया पुड़िया, ओए ओए ओए। यहाँ रांझे जैसा हर दूल्हा और हीर सी हर दुल्हन। इंडियन इंडियन शेर दिल, इंडियन 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 शेर दिल, इंडियन इंडियन शेर दिल, इंडियन 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 शेर दिल। जहाँ जाते हैं छा जाते हैं, हर दिल को ये भा जाते हैं। हो इश्क वतन से या हुस्न से, ये करते हैं तो निभाते हैं हर बात में नंबर वन। इंडियन इंडियन शेर दिल, इंडियन 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 शेर दिल, इंडियन इंडियन शेर दिल, इंडियन 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 शेर दिल, इंडियन इंडियन शेर दिल, इंडियन 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 शेर दिल, इंडियन इंडियन शेर दिल, इंडियन 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 शेर दिल, इंडियन इंडियन शेर दिल, इंडियन 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 शेर दिल। अजय तू इतना अच्छा गाता है, पूरे शहर में तूने हंगामा कर रखा है, अपनी एल्बम क्यों नहीं बनाता है? तू अच्छी तरह से जानता है कि एल्बम बनाने के लिए नाचना पड़ता है, जो मुझे अच्छी तरह से नहीं आता। खैर ये बता, तू दिल्ली से कब आया? आज सुबह ही पहुंचा हूं, सोचा तुझे सरप्राइज दे दूं।
यार तेरे आर्टिकल्स बहुत अच्छे होते हैं, तेरी न्यूज रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज। अच्छा ये बता, तू उन लोगों से मिल कैसे पाता है जिनका अता पता शायद ही कोई जानता हो? बहुत मुश्किल से, महीनों लग जाते हैं किसी की तलाश में, पर फिर कोई ना कोई जरिया तो मिल ही जाता है। हेलो। हाँ भैया, याद है ना स्टेशन जाना है बाबूजी को लेने के लिए? हाँ हाँ मालूम है। देखो भैया 4 बजे की ट्रेन है, पहुँच जाना बराबर वक्त पे। हाँ हाँ 4 बजे पहुँच जाऊंगा। अरे 4 तो बजने वाले हैं। अलो मैं तुझसे बाद में मिलूंगा, ओके? आज का इंटरव्यू फिर गया। ये किसका दुपट्टा है? अरे ये दुपट्टा किसका है? देख क्या रहे हैं आप लोग, बताइए किसका दुपट्टा है ये? अरे भाई किसका दुपट्टा है ये? अरे क्या अपना दुपट्टा नहीं संभाल सकते क्या? ठीक है कम से कम जिसका दुपट्टा है ये सामने तो आए, अपना दुपट्टा ले जाए। जी मेरा है। बड़ी लापरवाह हैं आप, आप एक दुपट्टा नहीं संभाल सकती अपना? जानते आपके इस दुपट्टे ने मेरे मोटरसाइकिल का क्या हाल कर दिया है? जी वो हम सामने वाले स्कूल में पढ़ाते हैं, हम सड़क पार कर रहे थे तो हवा बहुत तेज आ गई तो हमारा छाता उड़ने लगा, हम उसे संभालने गए तो दुपट्टा उड़ गया और अब गिर गए। कमाल है, आपको अपना दुपट्टा संभालना चाहिए अच्छा था। आप जानती है ना कि एक दुपट्टा लड़की के लिए क्या अहमियत रखता है? जी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हमारा दुपट्टा लीजिए। यात्री कृपया ध्यान दें, कालका से शिमला आने वाली 241 अब शिवालिक एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। आरपीएफ कर्मचारी सुनील डोगरा जहां कहीं भी हो तुरंत स्टेशन मास्टर ऑफिस में संपर्क करें। आरपीएफ कर्मचारी देखा साहबजादे अभी तक नहीं पहुंचे, एक तो ट्रेन आधा घंटा लेट है और फिर भी कमाल है ये लड़का। ओ सरदार जी। हाँ जी। मशोबरे जाना है? जावांगा। ओ पीली कोठी के पीछे से होते हुए सड़क के एंड तक जाना है, बाद में नहीं कहना। अंकल जी आप जहाँ बोलोगे जिधर बोलोगे जावांगा। अंकल जी आपने मुझे पहचाना? एक दो बारी मैं अजय लाल मिलिया सी। मेरा नाम सुखविंदर बिल्ला है। सुखविंदर बिल्ला? हाँ लोग मुझे सिंगर बिल्ला बोलते हैं। ओए अंकल, दरवाजा खुल गया, बंद करो वरना गिर जाओगे। अंकल मैं अजय का चेला हूँ, मैं उसका हर शो देखता हूँ, मेरी गड्डी की सारी कमाई उसके शो में जाती है। अंकल आप अजय को बम्बई क्यों नहीं भेज देते हो? एल्बम निकालेगा और वहाँ का स्टार बन जाएगा, सारा भी कम बन जाएगा। मैंने अपना एल्बम वाला नाम भी सोच लिया है। एल्बम वाला नाम? हाँ सिंगर बिल्ला ब्रांडी। सिंगर बिल्ला ब्रांडी? हाँ मैंने अपने एल्बम के लिए एक गाना भी बनाया है, चल गड्डियाँ पटियाले। ओए बस कर, ओए बस कर, ओए 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 तेरी गड्डियाँ के जा रहा है। बंद करो, बंद करो, पापड़ी बंद करो, अंकल की खुशी बंद करो, बंद करो। ओए हैंडल टूट गया। ओ अंकल हैंडल थल्ले रख दो। ओए तेरा गाना कैसा लगा? ओए तू सामने दे। अजय भैया नमस्ते। नमस्ते। और साहब तो अपने बिल्ला की गाड़ी में चले गए। बिल्ला की गाड़ी में गए? हाँ बिल्ला की गाड़ी में। अरे वो तो बाबूजी का दिमाग खराब कर देगा। ए, तू गड्डी रोक। गाना अच्छा लग गया? तू गड्डी रोक। एक और सुनाऊं? मैं कहता हूँ स्टॉप। मैं गाना तुझे भी लिखा है, तू सुन लो जी। दिमाग चट गया मेरा। हा? जैसी गड्डी की खड़खड़ वैसी मुंह की बड़बड़। अंकल तुसी नाराज हो गए, आप ऐसा मत कीजिए। आप अजय के डैडी है, मेरे गुरुजी के डैडी है। आप प्लीज अंकल, प्लीज अंकल। अजय तेरे जैसे गधों का ही गुरु हो सकता है? अंकल सामान मैं उठा लूंगा, हट जा। अंकल अंकल प्लीज प्लीज अंकल। अंकल जी तो गुस्से हो गए। बातों बातों में मशोबरा पीछे तो नहीं रह गया? Thank you.
वो दुपट्टा और छाता दोनों संभाल रही थी, इस चक्कर में छाता हाथ से छूट गया। आपने कहा था ना दुपट्टा संभालना ज्यादा जरूरी है। अरे आपको तो चोट लग गई। लापरवाही की भी हद होती है। अरे अभी हाथ पांव मजबूत है मेरे, कोई उसने मुझे स्टेशन से उठाकर लाना था क्या? बस दिल को जरा अच्छा लगता है कि बेटा लेने के लिए आया है। बाबूजी अब जाने भी दीजिए ना, देखिए भैया आ गए हैं। हाँ, आ गया है। कहाँ था? चल जीते रहो। बाबूजी मैं आपको स्टेशन लेने गया था, लेकिन रास्ते में ना क्या हुआ? रास्ते में क्या हुआ? माँ अचानक एक लड़की का दुपट्टा उड़कर मेरे चेहरे पर आ गया। हा? और मैं बैलेंस खो बैठा, लेकिन ज्यादा चोट नहीं आई। माँ क्या हो गया? नहीं माँ, ऐसे कैसे हुआ? मामूली सी खरोच है, वो तो मैंने संभाल लिया था, नहीं तो दुपट्टे की वजह से बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। वैसे लड़की कैसी थी? खूबसूरत थी? हाँ माँ। तभी तो लड़की को देख के होशोवास खो बैठे होंगे साहब। उसके बाद स्टेशन पर बाप आए, दादा आए, किसे याद रहता है, क्या फर्क पड़ता है? अरे लेकिन इसमें हर्जी क्या है? एक लड़की से टकराती है जो खूबसूरत है, इसे अच्छी लगी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं माँ ऐसी कोई बात नहीं है। कौन थी? मैं तो भूल गया उसको। हाँ आपने कहा था ना दुपट्टा संभालना ज्यादा जरूरी है। अरे आपको तो चोट लगी है। बस गई मेरे मन में, एक लड़की बस गई मेरे मन में, जान बसे जैसे धड़कन में, ओए ओए ओए। एक लड़की बस गई मेरे मन में, जान बसे जैसे धड़कन में, कर गई मुझको दीवाना, कर गई मुझको दीवाना, आंखें उसकी हैं मैं खाना। एक लड़की बस गई मेरे मन में, जान बसे जैसे धड़कन में। Ooh,
से चांद को बादलों ने घेरा हो, लगता है जैसे चांद को बादलों ने घेरा हो। दिल पे बैठा मैं एक पल में, दिल दे बैठा मैं एक पल में, एक लड़की बस गई मेरे मन में, कर गई मुझको दीवाना, कर गई मुझको दीवाना, आंखें उसकी हैं मैं खाना। लेकिन कंपनी ने 4 दिन की छुट्टियां ज्यादा मंजूर कर ली, सो जल्दी आ गया। ओ, लगता है चंडीगढ़ का हवा पानी सूट कर गया आपको, थोड़े मोटे हो गए। थोड़ा सा। चले? चलो। और तुम्हारी टीचिंग कैसी चल रहा है, नया जॉब? भाई साहब वहाँ क्या देख रहे हो? हाँ, आप इसी मोहल्ले में रहते हैं? हाँ, इसी मोहल्ले में रहता हूँ। तो मुझे बता सकते हैं कि वो मकान किसका है? वो मकान मेरा है, कोई प्रॉब्लम? ओ, तो मकान मालिक ने भेजा मुझे डराने के लिए। तो सुरेश भाई अब गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। अरे 2 महीने से किराया नहीं दिया तो प्रॉब्लम क्या है? मकान तो वही है ना, मैं कहीं उठा के तो नहीं ले जा रहा, अगले महीने दे दूंगा किराया, बस बोल देना। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। क्या गलत समझ रहा हूँ? तुम जैसे निठल्ले निकम्मों को आजकल यही काम रह गया है। लेकिन मैं आजाद देश का आजाद शहरी हूँ, तुम मुझे इस तरह डरा नहीं सकते, समझे? मैं किस मकान की बात कर रहा हूँ? अरे वो सामने वाला मकान जहाँ दरी लटकी हुई है। नहीं नहीं नहीं, मैं उसके साथ वाला मकान है उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, वो मकान शर्मा जी का है। तो मैं शर्मा जी को मिलने आया हूँ। अरे तो शर्मा जी से जाकर मिलो, खुद तो यहाँ रहते नहीं, ताला लगा कर चले जाते, पर कोई मुझसे पूछता शर्मा जी कहाँ रहते हैं, शर्मा जी कहाँ रहते हैं, प्रॉब्लम हो गई है। उल्लू का पट्टा शर्मा। अजय, कल सुबह तुम अपने लिए कोई काम मत रखना, सारा दिन मेरे साथ रहना है। बाबू जी, कल सुबह 9 बजे मुझे किसी और को मिलना है। शादी के दिन ही कितने रह गए हैं, कल पन्ना लाल के यहाँ केटरिंग और मंडप का ऑर्डर देना है। कल सुबह तो पॉसिबल ही नहीं बाबू जी, 3 बजे चलते हैं। 3 बजे तो उसकी छुट्टी होती है। किसकी छुट्टी होती है? कुछ नहीं बाबू जी, मैं आपके साथ कल जा ही नहीं सकता बाबू जी, वैसे भी मैंने शादी का तो सारा बंदोबस्त कर दिया है, सब कुछ तो हो चुका है। कल सुबह तुम मेरे साथ चलोगे, बस।
हाँ जी बाबूजी। आओ बरखुरदार आओ, हो गए तैयार, आओ चले। लेकिन बाबूजी मैंने आपसे कहा था ना कि आज 9 बजे मैंने किसी को देखने जाना है, आज मैं आपके साथ नहीं जा सकता। मुझे तो कल रात को ही शक हो गया था कि तू मुझे लेकर नहीं जाएगा, इसीलिए सुबह 7 बजे से बैठा हूँ मैं इस मोटरसाइकिल पर। पूरा पेपर पढ़ डाला मैंने इस मोटरसाइकिल पर, अरे नाश्ता तक कर लिया मैंने इसी मोटरसाइकिल पर। बाबूजी आप जिद क्यों कर रहे हैं, मुझे किसी को 9 बजे मिलना है। अरे तो ठीक है, पहले पन्नालाल का काम निपटा लेते हैं, उसके बाद 9 बजे जिससे मिलना है मिल लेना, मैं भी मिल लूंगा। बाबूजी 8:30 बज गए हैं, 25 मिनट लगेंगे आपको पन्नालाल की दुकान तक पहुंचने में, और फिर आधे घंटे तक तो आप उसके साथ गप्पे मारेंगे, मैं वहां 9 बजे तक कैसे पहुंचूंगा। अरे तो ठीक है, पहले पन्नालाल के तो चल, बैठ बैठ। माँ उधर क्या देख रहे हैं, बैठिए आइए। हाँ चल माँ। हाँ 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 क्या हुआ क्या हुआ, एक बार देख लीजिए ना। क्या मतलब? क्यों बाबूजी ऐसा मजा आ रहा है ना, आप तो मेरी ड्राइविंग हमेशा एंजॉय करते थे, पर लगता है डरने की उम्र हो गई है। ओए डर कहाँ रहा हूँ पुत्र, पर बिना वजह इतना तेज चलाने की जरूरत क्या है। बाबूजी इससे स्लो तो मेरा मोटरसाइकिल चलता ही नहीं। अरे बाबूजी ये देखिए, अरे स्लोप है। बाबूजी मैं हर रोज 12 किलोमीटर दौड़ता हूँ, अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखता हूँ, 1 घंटा मेडिटेशन करता हूँ, मेरा मोटरसाइकिल पर कमांड देखिए। ये देखिए बाबूजी ये हाथ हैंडल पकड़, ओए हाथ नीचे कर। ठीक है बाबूजी मजा रहे ना, पकड़ के रख पकड़ के रख। अब मेरा ये प्यारा सा कट दे। बाबूजी ये देखिए मेरा बहुत प्यारा सा कट, मजा रहे ना। मजा रहा है ना बाबूजी? हाँ बहुत मजा आ रहा है बाबूजी, ये तो मैं रोज करता हूँ। हैंडल पकड़, हैंडल पकड़। क्यों बाबूजी देखा? अरे पुत्र कुछ दिखे तो देखूं, अब तो एक ही बात दिमाग में घूम रही है कि ये पन्ना लाल की दुकान इतनी दूर कैसे हो गई। अरे बाबूजी पन्ना लाल की दुकान ये, आंखें खोल लीजिए बाबूजी, आ गई आपकी पन्ना लाल की दुकान। क्यों बाबूजी चक्कर आ रहे हैं, सब कुछ गोल गोल दिखाई दे रहा है। ओए छाड़ ओए, ये तो मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था। मजाक करते हुए आप बहुत अच्छे लगते हैं बाबूजी। ओए मैं अच्छा लगता ही नहीं हूँ पुत्र, मैं अच्छा हूँ, आज तू सारा दिन मेरे साथ ही है ना, देख लेना। अच्छा देख तू अब यहीं ठहरना, मैं अभी ऊपर गया और आया, हिलना नहीं यहाँ से। हाँ पन्नालाल जी, पन्नालाल जी। Excuse me. जी आपके यहाँ एक टीचर पढ़ाती है, नेहा नाम है उनका। कौन? नेहा पंडित। पंडित हाँ हाँ नेहा पंडित, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? एक्चुअली आज वो आई नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है?
ये क्या कर रहे हैं आप? मैं आपके स्कूल गया था, पता चला आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं। मगर आप घर क्यों आ गए? प्लीज प्लीज आप जाइए यहाँ से प्लीज। देखिए मैं, मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी। देखिए बाबूजी घर आते होंगे, आपको यहाँ देख लिया तो। बाबूजी आ गए, देखिए आप जाइए यहाँ से, बाबूजी ने आपको देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। आप पर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हम लोग कल बात कर लेंगे, इस वक्त आप जाइए प्लीज। ठीक है, कल 2 बजे मैं आपको माउंट व्यू में मिलूंगा। मैं आ जाऊंगी, आप फिलहाल जाइए यहाँ से। मैं इंतजार करूंगा। तुम मेरे घर में क्यों घुसे थे? वो शर्मा जी। अरे शर्मा जी का घर, मैंने तुम्हें वो बताया था। जी नहीं, आपने इसी घर को शर्मा जी का घर बताया था। आपको ठीक तरह से याद नहीं, लेकिन मुझे ठीक तरह से याद है कि आपने इसी घर की तरफ इशारा किया था। क्या बकवास कर रहे हो? मेरा दिमाग खराब हो गया जो अपने घर को शर्मा जी का घर बताऊंगा भाई। अब आपकी क्या प्रॉब्लम है मुझे पता नहीं, लेकिन शर्मा जी का घर यही बताया था। अरे भाई मैंने तुम्हें उस घर के लिए बताया था, वो देखो इतनी बड़ी नेम प्लेट दिखाई नहीं देती तुम्हें? आर के शर्मा, वो देखो उधर। उस घर की तरफ तो मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि आपने शर्मा जी का घर ये बताया था। और भला मैं आपकी बात पर शक कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि देखने में आप लगते हैं कि आप झूठ बोल ही नहीं सकते, और मजाक तो आप कर ही नहीं सकते ना। अच्छा भाई मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। अब तो पता चल गया ना कि शर्मा जी का घर कौन सा है, वो देखो उधर। हाँ नेम प्लेट भी देख ली और ताला भी। मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा। ये बंदा ठीक नहीं है, और शर्मा तूने तो मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। अच्छा पन्नालाल जी, जी नमस्ते। नमस्ते। अजय पुत्र। हाँ जी। अब मुझे चलाने दे, तू पीछे बैठ। ठीक है बाबू जी। ठीक है। हेलो। बैठ गया? गेर इधर है। पता है यार। हाँ भाई तू तैयार है ना? हाँ बाबूजी। हाँ तो फिर अच्छी तरह से पकड़ ले। हेलो। और देख जलवा। बाबूजी आप इतनी स्लो चलाकर मेरे मोटरसाइकिल की बेइज्जती कर रहे हैं, घर हम कल तक पहुंचेंगे। ये बात है? हाँ। तो फिर ये ले पुत्र शॉर्टकट। बाबूजी क्या कर रहे हैं आप? ये कच्ची सड़क है। क्या हुआ बाबूजी? ये कच्चा रास्ता है बाबूजी। बाबूजी आप मेरी बात मानिए, मोटरसाइकिल मुझे चलाने दीजिए, रास्ता कच्चा है बाबूजी। लेकिन पुत्र मैं पक्का हूँ, बड़े कट्स देखे मैंने तेरे, अब तू मेरी जंपे देख। ये ले। मजा आ रहा है ना? हाँ बाबूजी। अब मेरा सबसे प्यारा जंप देख जरा। देख लिया बाबूजी। बाबूजी मोटरसाइकिल मैंने चला दो बाबूजी। बाबूजी नो नेवर नेवर। अब तू मेरा बैलेंस देख और मेरा कमांड देख। बाबूजी बाबूजी हाथ तले रखो। बाबूजी क्या कर रहे हो तू? बाबूजी हाथ तले। बाबूजी मोटरसाइकिल। बाबूजी क्यों कैसा लग रहा है पुत्र? बाबूजी सामने देखो, सामने देखो बाबूजी। ओए सामने क्या देखना है, सामने पहाड़ है। चल बेटा पकड़ ले अच्छी तरह। ले पुत्र घर पहुंच गए। अरे अब तो छोड़ मुझे, छोड़ दे, छोड़ दे ना। क्यों बेटा गोल गोल दिखाई दे रहा है, चौकोर दिखाई दे रहा है या त्रिकोण दिखाई दे रहा है? अपनी शक्ल देख, 12 बजे हुए हैं और कहता है 12 किलोमीटर दौड़ता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। भगवान अपने बेटे को बादाम वाला मुझे पूरा विश्वास था कि तुम जरूर आओगी,
मेरा दिल बार बार कह रहा था कि नेहा जरूर आएगी। देखिए, आप जो सोच रहे हैं वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं शादीशुदा हूं। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन हम तो है ना बेबी। अरे बिल्कुल। अगर जगह खाली हो तो हमें भी बैठा लो। You will feel like a racing car. ये कार नहीं, कार नहीं है, शिमला के सेवों की शराब है। चलिए यहाँ से चलते हैं, प्लीज। अरे कहाँ जा रही हो? अरे कहाँ जा रही है? जाते हैं। अच्छा मैं चलती हूँ। चलिए मैं छोड़ देता हूँ। नहीं मैं चली जाऊंगी। देखिए मैं आपके घर की तरफ से ही जा रहा हूँ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। क्यों तकलीफ करते हैं आप? आपको मेरे साथ बैठते हुए डर लग रहा है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर चलिए। आप मुझे यहीं उतार दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। घबराइए मत, मैं आपके साथ हूं ना। आप बस यहीं छोड़ दीजिए, मैं चली जाऊंगी। अरे बड़ा अजीब आदमी है वो। कौन? शर्मा जी। काहे का जी, आर के शर्मा। अगर आज वो यहाँ होता ना तो दो चार बातें सुना देता। ढाई घंटे से उसका इंतजार कर रहा हूँ, टाइम देकर वो आता नहीं। मेरा दिमाग खराब कर दिया उसने। देखिए आप उसे मिलेंगे ना तो उसे कह देना कि मैं बहुत नाराज होकर गया हूँ यहाँ से। चाहे वो शाम को आए, रात को आए या दिन को आए। रात को आप सोएंगे नहीं और दिन को आप काम पर नहीं जाएंगे, सिर्फ मेरा काम करेंगे। ऐसे देख रहे हैं क्या? देख रहे हैं आप? देखिए यहाँ मैं दोबारा आऊंगा और आपसे पूछूंगा कि आपने उसे बताया कि नहीं। अरे हटिए यहाँ से, चलिए हटिए। अरे भाड़ में गया तेरा शर्मा, मैं तेरे लिए रात भर क्यों जागूं? तू मेरा क्या लगता है और शर्मा मेरा क्या लगता है? साला ऐसे ऑर्डर दे रहा जैसे मैं तेरा नौकर हूँ या तेरा अर्दली हूँ। अच्छा वह गुस्साने से पहले चला गया, वरना एक देता रख के साले को। भाई साहब। अरे चुप कर, तू भी मुझे शर्मा के बारे में पूछ रहा है? जी। अरे मर गया शर्मा, शर्मा का श्राद्ध होने वाला है, क्रियाक्रम हो गया, वो परलोक से धार गया। खबरदार जो किसी ने मुझसे शर्मा के बारे में पूछा, सड़क से पत्थर उठाकर मारूंगा उल्लू का पट्टा। शर्मा जी कौन है? हेलो पुलिस स्टेशन। चल बनाता हूँ तेरी रेसिंग कार। तुम लोग यहाँ? हमें पता चला था कि पुलिस ने अजय को पकड़ लिया है, इसलिए तो फिर इतना सज धज कर आने की क्या जरूरत थी? तुम लोग उसे छुड़ाने आए हो, उसकी बारात में आए हो? चलो आओ। आइए कॉल साहब। क्यों भाई, ये दिन भी देखना पड़ रहा है तुम्हारी वजह से? पुलिस स्टेशन आना पड़ा है तुम्हारी जमानत के लिए? कॉल साहब ऐसी कोई बात नहीं है, ये जमानत वमानत नहीं है, ऐसे ही खाना पूर्ति है, आप यहाँ साइन कर दीजिए बस। साइन तो मैं बाद में करूंगा, पहले आप इससे पूछिए कि इसने ऐसा किया क्यों।
बाबूजी वो एक लड़की पर फितरे कस रहे थे। अच्छा तो यहाँ भी एक लड़की? तुम्हारे हर किस्से में एक लड़की जरूर होती है। अरे ये कहीं वही दुपट्टे वाली लड़की तो नहीं? कौल साहब ये ठीक कह रहा है, इसने जिन लोगों को मारा है वो गुंडे ही हैं। सारा दिन चौक पे बैठे मटर गश्ती करते रहते हैं। हाँ मगर गुंडों से उलझना इसका काम नहीं है। शहर में पुलिस है, थाने हैं। इससे कहिए कि ये कसम ले फिर से किसी पर हाथ नहीं छोड़ेगा। बोल देना। ठीक है नहीं छोड़ूंगा। बोल दिया, बस जल्दी से साइन कीजिए, घर चलना है, मेरा बेटा भूखा है। बेटा भूखा है, जल्दी जल्दी आइए अब। चलो चलो चलो। अजय तुम बाज नहीं आओगे, तुमने फिर हाथ छोड़ा। बाबूजी वो कुड़के देख रहा सी, इसने कसम खाई थी ना। हाँ। भूल गया, बोला ना भूल गया, भूल गया माँ। चलो अजय, ये कुछ शादी के इनविटेशन कार्ड्स हैं जो आज तुम्हें बांटने हैं, और देखो हर किसी को कार्ड अपने हाथों से देना। हाँ जी। और ये शर्मा जी का कार्ड तो मैं खुद ही जाकर उन्हें दूंगा। कौन शर्मा बाबू जी? वो मेरे दोस्त हैं, आरके शर्मा, सेक्टर 2 बी ब्लॉक कैंट एरिया कॉटेज 39। तुम उन्हें कैसे जानते हो? बाबू जी मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, ये कार्ड मैं ही उन्हें दे दूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन शर्मा जी को मैं पर्सनली इन्वाइट करना चाहता हूँ, मेरे खास दोस्त हैं। बाबू जी आप मिले मैं मिला, बात तो एक ही है ना, शर्मा जी शादी पे जरूर आएंगे, मैं ये कार्ड पहुंचा देता हूँ। ये शर्मा जी को कार्ड देने के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा है? कुछ गड़बड़ है। तुम फिर यहां? शर्मा पीछे हट, आउट। ओ ये बंदा ठीक नहीं है शर्मा, तेरी ये लीजिए, मेरी बहन की शादी है, आप जरूर आएंगे ना? ना मत बोलिएगा, आएंगी ना? मुबारक हो कौल साहब, आपने शादी बहुत धूमधाम से की है और दामाद भी हीरे जैसा पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी। लेकिन आपका लड़का अजय नहीं दिखाई दे रहा है। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। मुबारक हो। बधाई हो आपको। बधाई हो। हेलो। वेलकम जी। अजय, अजय जी, बाबू जी तुमने शर्मा जी को कार्ड पहुंचाया था कि नहीं? बाबू जी उन्हीं का तो मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, आपसे ज्यादा टेंशन मुझे है। अच्छा ठीक है, शर्मा जी को मैं देख लूंगा, वो स्टेज पर एक लड़की आई है तुम्हारे बारे में पूछ रही है, जाओ। नमस्ते जी। बहुत बहुत मुबारक। नमस्ते। हेलो। हेलो। कब आई आप? अभी थोड़ी देर हुई। मैं तो आपका गेट पर इंतजार कर रहा था। ओह अच्छा हुआ आप आ गई, वरना मैं। हमारे यहाँ कस्बों में तो बिना बुलाए चले जाते हैं शगुन देने बेटियों की शादी में, और आपने तो मुझे इनवाइट किया था। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ पर आपने तो अभी तक तो कुछ खाया पिया भी नहीं। नहीं देर बहुत हो जाएगी और घर पे भी कोई है ही नहीं तो। अच्छा तो चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे लेकिन शादी में। उसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं अभी क्या अभी आया, लेट्स गो। अरे क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ।
आज सुबह ही टैंक भराया था, पता नहीं पेट्रोल खत्म हो गया। अब क्या करेंगे? कोई गाड़ी आती है तो लिफ्ट ले लेते हैं। इस गाड़ी को रोकता हूँ। तो ये घूल खिला रही है तू? अपनी लाज और शर्म को बेचकर एक लुच्चे लफंगे के साथ इतनी रात को मेरी इज्जत को सड़कों पर लेकर उतर रही है तू? देखिए चुप रहो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी आंखों में धूल झोंक रही है तू? मेरे बेटे की मौत को भी एक साल नहीं गुजरा और तुमने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। मेरा हाथ छोड़ो तुम और दबा जाओ यहाँ से। तू घर चल, घर में बात करता हूँ तुझसे मैं, चल। समझाओ इसे, ये नाच गाने से कौन सा फ्यूचर बनने वाला है इसका? 6 महीने से ट्रेनिंग लेके बैठा कमांडोज की, मेरे साथ जुड़ जाए, काम करे। अब क्या हुआ तुझे? तू क्यों मुंह लटकाए खड़ा इस तरह से? कुछ भी तो नहीं बाबूजी। मेरी बात समझ, इसी में तेरी भलाई है। आसान नहीं है नौकरी पाना आज के दौर में। मैं समझा दूंगी ना इसे, आ जाएगा आपके पास। ठीक है सुधा, चलता हूँ मैं। टेक केयर, जीते रहो। गुड मॉर्निंग। प्रणाम पापा। जीते रहो। कैसी बेटा, ठीक है ना? चलता हूँ। नेहा जी, उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया है। हेलो, मैं अजय बोल रहा हूँ। तुमने मेरे घर पे फोन करने की हिम्मत कैसे की? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लेकिन मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। मैं आपके घर आपसे मिलने आ रहा हूँ। तुमने इस मोहल्ले में भी कदम रखा ना तो बहुत नुकसान उठाओगे तुम। मैं अभी आ रहा हूँ। का घर बस रहा है, उसकी जिंदगी संवर रही है। अजय अच्छा लड़का है, अच्छे परिवार का है, और आप है कि अच्छा बुरा मुझे मत समझाओ। ये तुम्हारी बहन थी, अब मेरी बहू है, इस घर की इज्जत है, बोझ नहीं है मुझ पर। मैं तुम्हें शादी की इजाजत नहीं दे सकता, ये मेरा फैसला है। आपके फैसले और आपकी सोच के नतीजे बहुत देख चुका हूं मैं। कभी सोचा है आपने आपके फैसले दूसरों को क्या घाव देते? आप ही के एक फैसले ने आपके बेटे को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। विधवा होने का अभिशाप ये आपके वजह से ढो रही है। नेहा, तू जा अजय के पास। बड़ा भाई होने के नाते इस रिश्ते की मंजूरी मैं देता हूं।
नेहा पे पूरी तरह से अधिकार आपका है। ये आपकी बहू भी है, आपकी बेटी भी, इसलिए इसके जीवन का फैसला सिर्फ आप करेंगे। आप जब मुझ पर विश्वास करके नेहा का हाथ मेरी तरफ बढ़ाएंगे, यह हाथ मैं तभी थामूंगा। अजय, तुम सिर्फ रिश्तों की समझ नहीं रखते बल्कि अपने मन में उनके लिए आदर भी रखते हो। तुम्हारे विचारों से तुम्हारा चरित्र शीशे की तरह साफ हो गया। मैंने मुझे ही रिश्ता मंजूर है। नो 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 नारा दे दे। मुझसे किया है वो जो प्यार तुमने मुझसे किया है, क्या नाम तुमने उसको दिया है। प्यार तो एक अनजाना एहसास है जो ना बुझ के बुझे ये वो प्यास है। तुम नजर से मोहब्बत का पैगाम दो, प्यार को जाने मन प्यार का नाम दो, प्यार का नाम। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कुछ तो सोच रही हूँ, तुम कब जिंदगी में एक झोंके की तरह आए और कब कैसे एक रिश्ता बना लिया पता ही नहीं चला। मगर मैंने तुम्हें पहली बार देखते ही अपने मन में बिठा लिया था, और जैसे जैसे मैं तुम्हारे बारे में जानता गया, तुम्हें पाने का इरादा और पक्का हो गया, और मैंने ये तय कर लिया था कि मैं तुम्हें हासिल करके ही दम लूंगा। और देखो आज मैंने तुम्हें पा लिया। तन्हाइयां थी इस जिंदगी में, आंसू भरे थे मेरी खुशी में, सहरा बिछा था एक दर्द का। तेरा सुना सा जीवन सजाऊंगा मैं, तेरी राहों में खुशियां बिछाऊंगा मैं, संग दिल इस जहां को दिखाऊंगा मैं, ये कसम ली है वादा निभाऊंगा मैं। जो प्यार तुमने मुझसे किया है, क्या नाम तुमने उसको दिया है। जो प्यार मैंने तुमसे किया है, बस प्यार का नाम उसको दिया। क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ ये आंखें जो कल तक अजनबी थी आज मेरी जिंदगी बन गई हैं। जानती हो ये कैसे हुआ? कैसे? इस दुपट्टे की वजह से। ना ये दुपट्टा उठता, ना मेरा चेहरा ढकता, ना मैं गिरता, ना तुमसे मिलता। दिल को मंगो से भर दिया, ना जाने तुमने क्या कर दिया है, सच लग रहा है सपना मेरा। रंग लाई सनम मेरी दीवानगी, दिल लगी बन गई आज दिल की लगी, बेवजह ही नहीं प्यार में बेखुदी, ये है जादू मेरा ऐ मेरे हमनशीं, ऐ मेरे हमनशीं।
जो प्यार तुमने मुझसे किया है, क्या नाम तुमने उसको दिया है। प्यार तो एक अनजाना एहसास है, जो ना बुझ के बुझे ये वो प्यास है। तुम नजर से मोहब्बत का पैगाम दो, प्यार को जाने मन प्यार का नाम दो, प्यार का नाम। जो प्यार तुमने मुझसे किया है, क्या नाम तुमने उसको दिया है। जो प्यार मैंने तुमसे किया है, बस प्यार का नाम उसको दिया है। मैं जुनेद अफगानी, मुजाहिद वफा अल अफगान, वो हमारे कब्जे में है। ठहरो, अगर नेहा को कुछ हुआ ना तुम्हारा इतना गुस्सा करना बिल्कुल जायज है। अपनी मोहब्बत के लिए बहुत जुनून है तुम्हारे अंदर है, मगर ऐसे मौकों पर बेकाबू होना अच्छा नहीं है। ठंडे दिमाग से हमारी बात को सुनो। फिलहाल हमारा इरादा नेहा की जान लेने का नहीं है, हम उसे सही सलामत लौटा देंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारा एक काम करना है। मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगा। यर्मी तहत हमारे असूलों में अपने मकसद के लिए किसी का भी कत्ल करना जायज है। मेरे अगले इशारे पर नेहा भी नीचे गिर सकती है। यह है नीता चौधरी, इन दिनों यह न्यूजीलैंड में तुम्हारे वालिद की सिक्योरिटी में है। इसे तुम्हें वहां से निकालकर हम तक पहुंचाना है। बस हम नेहा पंडित को छोड़ देंगे, और जितनी जल्दी तुम ये काम को अंजाम दे पाओगे उतना ही नेहा पंडित के लिए बेहतर होगा, क्योंकि हमारे साथ जिंदगी का एक दिन जीना हजारों सालों की तकलीफों के बराबर होता है। यह रहा नीता चौधरी और तुम्हारा नया पासपोर्ट नए नाम से। मैं जानता हूं अगली मुलाकात तुम बहुत जल्द चाहोगे। खुदा हाफिज़।
एक्सक्यूज मी फॉर दिस, आपका सारा सामान. I'm so sorry. That's okay. Let me help you. That's fine. I'll help myself. नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये लीजिए. Thank you. ये लीजिए. इंडिया से आए? जी हाँ. Okay, have a nice vacation. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Yeah, hello. भागने की कोशिश कर रही थी, बाहर निकलो, बाहर निकलो गाड़ी से, बाहर निकलो, इधर आओ, तुम क्या कर रहे हो, तुम इधर मुझे माफ करो साहब, ये सब मैम साहब के कहने पे किया है मैंने. जानते हो तुम क्या कर रहे हो इडियट? सर मैं इडियट नहीं हूँ, मजबूर हूँ, मैं दो पार्टों में पिस रहा हूँ. आपकी सुनता तो वो मारती है, उसकी सुनता तो आप मारते हो. मुझे माफ कर दो साहब. अरे पाओ बाद में पकड़ना उल्लू के पट्टे, पहले बताओ नीता कहाँ है. Excuse me. अजय तुम कब आए? ये तेरो बस थोड़ी देर पहले बाबूजी. अजय तुमने किसी लड़की को देखा है यहाँ? जी. बाबूजी ये भाग रही थी, बड़ी मुश्किल से मैंने इसे काबू. शट अप, तुम आते कौन हो मुझे छूने वाले? तुमने मुझे पागल कहा, मैं साफड़ी हूं. तुमने मुझे कहा तुम मेरे टारगेट होगे. ये ऐसा कुछ नहीं करेगा, तुम अंदर जाओ चलो. मैं तुम्हें देख लूंगी. फू, तुमने इतना कुछ कह दिया अनीता से? नहीं बाबूजी, मैंने उसे इतना कुछ नहीं कहा, लेकिन आप लोग इसको संभालते कैसे, ये बिल्कुल पागल है. खैर जाने दो. अब तुम ये बताओ कि तुम्हारा यहाँ आने का अचानक प्रोग्राम कैसे बना? बाबूजी आपके जाने के बाद मैंने आपकी बातों पर गौर किया, सोचा कि मुझे सब कुछ भूलकर अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ चला आया. गुड, देर आए दुरुस्त आए. कॉल साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूँ सर, अनीता ने आज फिर भागने की कोशिश की. हाँ, लेकिन मेरे बेटे अजय ने उसे ऐन वक्त पे रोक लिया. अमरजीत सिंह. हाँ जी. ये है मेरा बेटा अजय. ओह, मैंने तुमसे जिक्र किया था ना. हाँ. और अजय ये है कैप्टन अमरजीत सिंह, हमारे कमांडोज के चीफ. बाबूजी मैंने एयरपोर्ट पर मिल चुका हूँ. ओह. अब तुम्हें इन्हीं के अंडर काम करना है. कैप्टन जी, इसे इसकी ड्यूटीज वगैरह समझा दो. ड्यूटीज तो मैं इन्हें समझा दूंगा सर, लेकिन ये लंबा सफर तय करके आए, इन्हें थोड़ा आराम तो करने दीजिए. मिस्टर अजय आप फ्रेश हो जाए, तब तक मैं भी सोच लेता हूँ कि अपनी टीम में आपको कहाँ कौन सा काम देना चाहिए. ऑलराइट, ओके, सी यू. आओ बेटा.
बाबूराम, बाबूराम, आया मैडम, आया, अभी आया। ये नए साहब तो बहुत कड़क है, सच्ची बोलता हूँ, ये कॉल साहब से दो चार हाथ आ गई है और आप पे नजर रखने के लिए इसे भी ड्यूटी पे रखा जा रहा है। और मैडम, ये नए साहब के आगे आपके एक नहीं चलने वाली। सैंड, तुम नौकरी किसके लिए करते हो? उसके लिए या मेरे लिए? आपके लिए मैडम, आपके लिए। फिर उसकी तारीफ करना बंद करो। क्या समझता है वो अपने आपको, आसमान से उतरा है क्या? अरे वो मेरे साथ क्या सख्ती करेगा, मैं उसे यहाँ टिकने दूँ तब ना उसने मुझसे अनीता चौधरी से उलझने की हिम्मत की है। वो सोच भी नहीं सकता है उसके साथ आगे आगे होना क्या है। फू, Hello. Nice dress. Hi, good morning. Good morning, good morning. ये कोई लेटेस्ट डिजाइन की शर्ट है। वैसे डिजाइन बुरा नहीं है, लेकिन इसे यहाँ मत पहनना, लोग हंसेंगे तुम पर। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मेरे कमरे में चोरी छिपे घुसकर मेरे कपड़े काटकर तुमने कोई तीर नहीं मार दिया। लड़कियों की फितरत बिल्ली जैसी होती है, वो भी चोरी छिपे दूध में मुंह मार देती है। अच्छा, और तुम लड़कों की फितरत बिल्कुल उल्लू जैसी होती है, अंधेरे में जितना देख पाती हो समझते हो दुनिया उतनी ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। आगे आगे क्या होगा वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हारा ये गरूर का नशा टूट जाएगा और तुम अपना सर मेरे कंधे पर रखकर रो दोगी। अजय, मुझे माफ कर दो, वैसे भी मैं उल्लू, मेरा मतलब बड़े दिल का हूँ ना, माफ कर दूंगा। चलो देखते हैं कौन हारता है और कौन झुकता है। हारना भी तुम्हें है और झुकना भी तुम्हें है। सबसे पहले मैदान तुम छोड़ोगे। चैलेंज, चैलेंज, मगर इस खेल से बड़ों को जरा दूर रखना। इस खेल का पता तो हवाओं को भी नहीं चलेगा और तुम हवा हो जाओगे। अरे बाबूराम जी साहब, अजय और अनीता को जल्दी नाश्ते के लिए बुलाओ, मुझे बैंक के लिए निकलना है। जी। क्या कर दिया अनीता, मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए तुमने। ये स्केटबोर्ड मैंने वहां रखा था, फिर मेरे पैर के नीचे कैसे आ गया? मगर ये मुसीबत का सामान यहाँ हॉल में रखा ही क्यों? कभी भी किसी के हाथ पांव टूट सकते हैं। अरे भगवान ने चलने दौड़ने के लिए तुम्हें पांव दिए हैं तो उसके नीचे पहिए लगाने की क्या जरूरत है? अरे लेकिन कुछ टूटा फूटा तो नहीं? मैं ठीक हूँ। अरे लेकिन मेरा हुलिया तो बिगाड़ दिया ना, अब कपड़े बदलने पड़ेंगे मुझे, बैंक जाने के लिए पहले लेट हो गया हूँ। बाबूजी, बैंक मैं चला जाता हूँ। हाँ वही ठीक रहेगा, वहां से कुछ पैसे निकलवाने हैं अर्जेंटली। ए क्या, किसको दो? बेवकूफ लड़की। तुम्हारा खुश होना बिल्कुल सही है अजय, क्योंकि बुझने से पहले चिराग की रोशनी थोड़ी बढ़ जाती है। ऑल द बेस्ट। Can I speak to the manager, please? Yes, manager speaking. Mr. Brett, this is Anita Chaudhary. Yes. Oh, well, I'm holding an account in your bank. Can my account number is 84205. A check of $5,000 has been lost and, you know, somebody couldn't cash it. May I know the check number? Sorry, we cannot make the payment. But why? Yes, gentlemen, I think I have a better answer. Come with me. Hello, Miss Anita. Someone is coming to cash a lost check. He said his name is Ajay Kaul, and he claims you gave him the check. Oh no, Mr. Brett. I don't know anybody by this name. She says she doesn't know anybody by that name. Let me speak with her. Hello, Anita. Hey, speak English. Okay. Anita, this whole thing is getting very messy. So kindly clear the whole thing out, okay? Kya hua, Baba? Problem mein phas gaye? मैं तुम्हें इस प्रॉब्लम से निकाल सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। काम? हाँ, मुझसे हार मानकर माफी मांगो। ये तो हो नहीं सकता। तो ठीक है, सर ऑफिस। नाउ व्हाट? कॉल द पुलिस।
ये अजय को क्या हो गया है? अभी तक नहीं आया। मैं तो सोच रही थी, नहीं नहीं ऐसा नहीं भी हो सकता है। लेकिन तुम सोच क्या रही हो? अंकल हो सकता है अजय किसी कसिनो वसिनो में बैठ गया हो। वैसे उसे जुआ खेलने का शौक है, आपने कभी बताया तो नहीं? नहीं नहीं उसमें ऐसा कोई ऐब नहीं है। आप उसे जेब खर्च के लिए कुछ पैसे वैसे देते थे कि नहीं? क्या देखिए इस उम्र में कभी कभी डिस्को या बार में जाने को दिल करता है, वैसे उसे पीने की आदत है, आपने ऐसा कभी बताया तो नहीं? क्या बकवास कर रही हो तुम? नहीं नहीं ऐसे सिर्फ मैं सोच रही हूँ, ऐसा नहीं भी हो सकता। तुम जब भी सोचती हो ऊट पटांगी सोचती हो। अजय के साथ पुलिस? अंकल मैंने इतना बुरा तो नहीं सोचा था। क्या हुआ अजय? बाबूजी किसी ने बैंक में फोन करके कह दिया कि जो चेक मेरे पास है वो चोरी का है। हेलो ऑफिसर, आई एम अमरीश कॉल, सिक्योरिटी चीफ ओवर हियर, दिस इज माय सन अजय। या नो मिस्टर कॉल, गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज हैंस पार्कर। गुड आफ्टरनून, इट्स इन बैड टेस्ट ऑफिसर, बिफोर अरेस्टिंग हिम यू शुड हैव कॉल्ड मी अप एंड इंक्वायर्ड विद मी। ओह आई डिड, हु इज मिस अनीता चौधरी? हेलो आई एम अनीता, यू वांट टू आस्क मी समथिंग? डिड यू नॉट कॉल द बैंक एंड सेड योर चेक वाज लॉस्ट? हु मी? Well, I did no such thing. In fact, I was the one who gave him the check and was waiting for him to return home. Is that so? In that case, someone's played a cool joke with him. I'm sorry, but we can't take a chance. Okay? Okay, officer. Thank you. Okay. तुम्हारे साथ ये मजाक किसने किया होगा? तुम्हें तो अभी तक यहाँ कोई जानता भी नहीं। Excuse me, sir. There's an urgent call for you. Okay. क्यों बाबा? कैसा रहा? Stop. कहाँ जा रही हो? अंकल हम रिकी मार्टिन के शो में जा रहे हैं। Yes! Sorry, अभी मैं तुम्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। अंकल प्लीज, हमारे ये प्रोग्राम कब से बना हुआ है? और फिर मेरी सारी फ्रेंड्स। तुम यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाओगी। No! अगर तुम ज्यादा परेशान करोगी तो मुझे तुम्हारे डैडी से बात करनी पड़ेगी, समझी? सिक्योरिटी सिक्योरिटी, कैद करके रखा है इन्होंने मुझे। मैं कहीं घूम नहीं सकती, किसी से मिल नहीं सकती, लाइफ में किसी तरह की कोई भी एंटरटेनमेंट नहीं। तंग आ चुकी मैं इसे लाइफ से। I'm so fed up! Hello? Hello? आप सब लोग कुछ fed up लग रही हैं? हम लोग एक प्रोग्राम में जा रहे थे मगर अंकल ने मना कर दिया। कौन सा प्रोग्राम? रिकी मार्टिन। Oh, he's a good singer. Exactly. लेकिन बाबूजी ने जो कुछ भी किया आप लोगों की भलाई के लिए किया है, जान है तो जहान है। वैसे अगर आप लोग चाहें तो गाने नाचने का प्रोग्राम यहाँ भी हो सकता है। तुम्हारा मतलब यहाँ इस घर में? Why not? सिंगर आप लोगों के सामने है। ये गायिका, शक्ल से तो नहीं लगता कि डांस और म्यूजिक से तुम्हारा कोई वास्ता है। शक्ल से तुम भी बड़ी सुलझी हुई और समझदार लगती हो, जबकि तुम वैसी हो नहीं। एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने? देखिए उलझने और झगड़ने से बेहतर है जो मैंने कहा उसे साबित करने का मुझे मौका दीजिए। मतलब हमें तुम्हारी बेसुरी आवाज बर्दाश्त करनी पड़ेगी? No way, girls come on। अरे सुनिए तो सही, सुर तो ऐसे है हमारे पास कि आपके कदम बहकर थिरकने लगेंगे और आप चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाएंगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं हार मान लूंगा और इंडिया वापस चला जाऊंगा। वेरी गुड गर्ल्स, सामान बंद गया बेचारे का। नजारा
सोना सोना सोनिया ने रूप दा नजारा आचा आचा इंडिया दा प्यार ते थवारा सोना सोना सोनिए नी रूप दा नजारा दिल को मेरे क्यों ऐसे तड़पाती है इस दीवाने को तरसा के तू कहां जाती है अख से मिला ले जरा अख सोनिए ओए गुस्से ने तू पर पर रख सोनिए अख से मिला ले जरा अख सोनिए गुस्से ने पर पर रख सोनिए जान मेरी जान लेंदा ए तेरा लश्कारा सोना 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 सोनिए नी रूप दा नजारा यार हिंदुस्तानी कोई वादा जब करता है जान मन जीने मरने से वो नहीं डरता है इतना गुरूर नहीं कर सोनिए रब को नजारा जे डर सोनिए इतना गुरूर नहीं कर सोनिए रब को नजारा जे डर सोनिए प्यार बिना इस दुनिया में किसका होता है गुजारा सोना सोना नजारा सोना सोना सोनिए नी रूप दा नजारा आचा आचा इंडिया दा प्यार ते थवारा सोना सोना सोनिए नी रूप दा नजारा सोना सोना सोनिए नी रूप दा नजारा तुमने गाना क्यों बंद किया गाओ मैंने कहा गाओ ये तुमने ठीक नहीं किया अनीता ऐसे नहीं होता है दिस इज रॉन्ग अनीता उसने तुम्हें कहा था वो तुम्हें नचाएगा और नचा दिया ऐसे तुम किसी को थप्पड़ तो नहीं मार सकती इट्स अ मिस्टेक अनीता आई थिंक इट वाज वेरी मीन ऑन योर पार्ट अनीता आई थिंक यू शुड गो एंड अपोलोजाइज टू हिम अनीता इट वाज वेरी रॉन्ग ऑन योर पार्ट या यू शुड से सॉरी टू हिम यस यू मस्ट गो एंड से सॉरी टू हिम यू शुड गो हेलो अटलांटिक ट्रैवल्स यस आई एम अजय कॉल स्पीकिंग I would like to take the first flight to India tomorrow morning. I'm sorry, but the flights are overbooked, sir. Please try to understand, it's urgent. I need to leave tomorrow morning. Well, I'll try to put you on the evening flight, sir. Is it okay? Okay, put me on that flight. Thank you.
तुमने मुझे माफ किया, तुमने मुझे माफ किया। हाँ मैंने माफ किया। मैं हार गई अजय। लो खाना खाओ। क्या बात है, इतनी रात को तुम यहां क्या कर रहे हो? मुझे लगा शायद अनीता के कमरे की तरफ कोई गया है, इसलिए मैं उधर। रात के अंधेरे में तुम्हारा इस तरह निकलना ठीक नहीं है। सिक्योरिटी ऑफिसर से गलती भी हो सकती है। इस वक्त अनीता की निगरानी की ड्यूटी मेरी है और मैं ये काम बहुत अच्छी तरह कर रहा हूं। ओके, जाओ सो जाओ। अनीता, 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 वो फोटो मेरी है, मुझे वापस दो। अनीता, अनीता, give me the photo। अनीता, वो मेरी फोटोग्राफ है, मुझे वापस दो। नो, पहले मुझे देखनी है। देखो मुझे मेरी फोटोग्राफ वापस चाहिए। अगर मैं देखूं तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? पहले मुझे देखनी है। मुझे मेरी फोटोग्राफ चाहिए। नो, मुझे देखनी है, देखनी है, देखनी है, मुझे देखनी है। मैं तो डरी गई थी, मैंने सोचा शायद तुम्हारे हाथ में किसी और की फोटो होगी। लो मेरी फोटोग्राफ, मुझे वापस दो। ये लो। अजय, ये प्यार भी बड़ी अजीब चीज है ना, इंसान इसमें कुछ भी कर जाता है। तुम क्या कर सकती हो? मैं तुम्हारे लिए यहां से कूद सकती हूँ। हंसते हो, मजाक समझ रहे हो? मैं अभी इसे कूद कर दिखाती हूं। अनीता, अनीता,
ये क्या किया तुमने? हाँ क्या किया? तुमसे प्यार, और इस प्यार के लिए मैं हजार बार कूद सकती हूँ अजय। अनीता, are you alright? कब से तलाश कर रहे हैं हम लोग? चलो गाड़ी में बैठ। चौधरी साहब, आप वेलकम वेलकम। कैसे हैं कौन साहब, सब ठीक ठाक तो है? हाँ सब ठीक ठाक है। चौधरी साहब, ये है मेरा बेटा अजय। हेलो। हेलो। आप तो अचानक आ धमके, और वो भी इतने बड़े काफले के साथ। सब ठीक तो है ना? कौन साहब, ये मेरे दोस्त हैं बलवंत गार्गी। हेलो। अमेरिका में रहते हैं। ये उनका बेटा मनीष, मेरा होने वाला दामाद। हेलो। हेलो अंकल। मतलब अनीता की शादी? मुबारक हो चौधरी साहब। हाँ कौन साहब, मैं अनीता की शादी कर रहा हूँ, इसीलिए लोगों को यहाँ साथ लेकर के आया। कल एंगेजमेंट है और परसों की शादी है, कुछ तैयारियां तो कराइए आप। ओ जरूर, आइए आइए। डैडी आपने मुझसे पूछा भी नहीं और इतना बड़ा फैसला कर लिया। देखो अनीता, ऐसे हालात में तुम्हारे लिए जो ठीक है वही कर रहा हूँ मैं। मैं तुम्हारे सर से मौत के साय को हमेशा हमेशा के लिए हटा देना चाहता हूँ। डैडी लेकिन मैं ये शादी नहीं करना। सुनो मुझे, जो फैसला मैं ले चुका हूं मैं उससे हटने वाला नहीं हूं, बस। जाए, यहां तुम्हारी दौड़ खत्म होती है। अनीता इस तरफ आओ, तुम अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो सकते अजय। अनीता यहां बहुत डेंजरस आदमी है, मैं समझाता हूं। आई डोंट मूव, आई विल किल यू। अनीता, अनीता तुम इसे नहीं जानती हो, बहुत खतरनाक आदमी है। क्या हो अनीता, अनीता कम या जल्दी आओ इस तरफ, या डोंट मूव अजय, डोंट मूव। अनीता अजय, दामाद तो बहुत अच्छा चुना है चौधरी साहब आपने। थैंक यू। लेकिन हमारी अनीता भी तो लाखों में एक है रतिलाल जी।
वार्निंग यू। रुक जाओ अजय, मैं कहता हूँ रुक जाओ वरना गोली चला दूंगा। अजय टॉक नॉनसेंस। मैं जानना चाहता हूं कि अमरजीत और अजय कहां हैं। चौधरी साहब, अनीता इस तरह की हरकतें पहले भी कई बार कर चुकी है। हमने पुलिस, एयरपोर्ट, सब जगह उनके नाम और फोटोग्राफ के साथ इन्फॉर्म कर दिया है। पता लगते ही वो हमें बताएंगे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। हेलो, यस स्पीकिंग। Have you found Anita? Not yet, but we are trying. Okay. One minute. क्या हुआ अमरजीत? अनीता भाग गई है सर। क्या? जी हाँ, और अजय उसे लेकर भागा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो ऐसी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है? ये सच है मिस्टर कॉल। अजय अनीता को भगाने की प्लानिंग से यहाँ आया था।
एयरपोर्ट पर जब उससे वो टकराया था उसके बैग से अनीता की फोटो तक गिरी थी। तब तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने सोचा कि क्या सोचा तुमने? मेरे लिए अजय फर्ज से ज्यादा कीमती है क्या? इडियट। टेक हिम टू द एम्बुलेंस। आप फिक्र मत कीजिए चौधरी साहब, आपकी बेटी को सही सलामत आपके हाथों में सौंपूंगा मैं। मैं ये भूल जाऊंगा कि अजय मेरा बेटा है। अगर उस पर गोली भी चलानी पड़ी तो मेरे हाथ नहीं कांपेंगे। मालूम था अजय तुम मुझे गिरने नहीं दोगे।
शुक्रिया अजय। कौन? अजय कौन है ये लोग? तुमने हमारा बहुत बड़ा काम कर दिया है। इंशाल्लाह अब हमारे मुजाहिद की आजादी तय है। आजादी? किसकी आजादी के बारे में बात कर रही है? और क्या काम किया है तुमने इनके लिए? अजय प्लीज, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, कुछ तो बोलो। मैं बताता हूँ, हमने इसके साथ एक सौदा किया था। ये जिस लड़की से मोहब्बत करता है वो हमारे कब्जे में है, और उसे छुड़ाने के लिए इसे तुम्हें हम तक पहुंचाना था। तुम किसी और से प्यार करते हो? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों? मैंने तो तुम्हें अपनी जिंदगी मान लिया था, और तुम मेरे साथ प्यार का नाटक कर रहे थे। मैंने तुम्हारे लिए सारे रिश्तों को ठोकर मार दी, अपना डैडी का दिल दुखाया। क्यों? क्योंकि प्यार किया था मैंने तुमसे, सच्चा प्यार किया था। और तुम क्यों किया? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों 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 क्यों? Why? नेहा कहाँ है? वो रही तुम्हारी नेहा। बंदूक फेंक दो। शक्ति, जुनैद तू क्या समझता है? क्या तू अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा? कभी नहीं। वो तो उस दिन नेहा मेरी पहुंच से दूर थी, वरना ये खेल उसी दिन। नेहा? मैं नुसरत रब्बानी, मुजाहिद वफाए अलहक अफगान, अपने शौहर नावेद रब्बानी की आजादी के लिए अपने फर्ज को अंजाम दे रही थी। कृष्णकांत उर्फ कैप्टन रशीद। मुबारक हो जुनैद, अपने मकसद की कामयाबी का पहला कदम बहुत सही पड़ा हमारा। हाँ कैप्टन, अब बहुत जल्द हमारे खेमे में नावेद की वापसी होगी और हिंदुस्तान की शिकस्त। जावेद इसे उठाकर नीचे फेंक दो, अगर ये जिंदा बच गया तो हिंदुस्तान की पुलिस इसे मार देगी। चलो।
पढ़िए जनाब पढ़िए, आज की ताजा खबर पढ़िए, गृह मंत्री भागवत चौधरी की बेटी का अपहरण, गृह मंत्री भागवत चौधरी की बेटी का अपहरण। दो रुपए कर्नल कौल के बेटे अजय कौल ने उसे आतंकवादियों के हाथों सौंपा। सरकारी कुर्सी पर बैठकर आतंकवादियों के लिए काम करता है सत्तर। मारो साले को, मारो। क्या? अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? सत्तर। जाओ बैग। क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं आप लोग? हट जाओ। क्या हुआ सुधा? देखिए ये लोग पत्थर पर पत्थर मार रहे और कह रहे कि हम गद्दार हैं। अब मारो पत्थर। खड़ा हूं मैं यहाँ, किसको अपनी बहादुरी दिखानी है दिखाओ। गद्दार नहीं है हम लोग। पिछले 40 सालों से पूरी ईमानदारी से अपने देश की सेवा कर रहा हूं मैं। अपने फर्ज को अंजाम देने के लिए कई बार मौत का सामना किया है मैंने। तुम लोगों के लिए मेरे बेटे ने जो किया है उससे हमारी आत्मा को भी चोट पहुंची है, बहुत दुख पहुंचाया है उसने हमें भी। और मैं आप लोगों से पहले भी कह चुका हूं, अब वो मेरा बेटा नहीं है, देशद्रोही है वो। उसका अंजाम वही होगा जो एक देशद्रोही का होता है। उसे मारकर उसकी लाश चौराहे पर लटकाऊंगा मैं। चला गया वो।
अजय। जी न्यूज में आपका फिर से स्वागत है। होम मिनिस्टर भागवत चौधरी की बेटी अनिता चौधरी की रिहाई के बारे में अब तक कोई खास संकेत नहीं बने हैं। अनिता चौधरी को एक आतंकवादी संगठन वफाई अल हक ने अगवा किया हुआ है। कुछ जानकारों का कहना है कि पत्रकार आलोक दास सरकार और आतंकवादियों के बीच एक महत्वपूर्ण भूमिका करने वाले हैं। सरकार और आतंकवादियों के बीच बातचीत कब और कहां होगी, इस बात को गुप्त रखा गया है। अस्सलामु अलैकुम रशीद साहब, प्लीज कम, प्लीज प्लीज कम सर, आइए सर, इस तरफ। रशीद साहब बैठिए ना, प्लीज बैठिए ना। चौधरी सर बातचीत। आलोक दास की गुजारिश पे मुझे यहां आना पड़ा, वरना अपने डिमांड्स रखने के दूसरे जरिए भी हमारे पास। एक, हमारे जिहादी नावेद रब्बानी की रिहाई, 50 करोड़ की रकम, कश्मीर के गवर्नर का तबादला और कश्मीर में होने वाले इलेक्शंस फौरन खारिज किए जाएं। चुनाव हरगिज खारिज नहीं होंगे और नहीं तुम अपने गंदे मंसूबों में कभी कामयाब होगे। यह आतंकवाद और हथियारों का खेल तुम्हारी मौत बनेगा रशीद, कश्मीर नहीं मिलेगा तुम्हें कभी नहीं। देखो, पहले तुमने सिर्फ नावेद रब्बानी की रिहाई की बात रखी थी, अब तुम्हारी ये नई नई डिमांड्स को। हमने जिस लड़की के सर पर मौत रखी है वो किसी सरकारी स्कूल के चपरासी की बेटी नहीं, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर की बेटी है। हम उसके सर की कीमत जानते हैं बखूबी। क्या करोगे उसका, मारोगे? मारो, मारो से, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार तुम्हारे सामने झुकेगी नहीं और नहीं तुम्हारी कोई डिमांड मानी जाएगी। सरकार झुकेगी भी और टूटेगी भी, हम पहले भी ऐसे खेल खेल चुके हैं। पहले भी हमने हिंदुस्तान की सरकार को शिकस्त दी है। 48 घंटे का वक्त है तुम्हारे पास, ना के जवाब में ये भी बता देना कि बेटी की लाश को कहां भिजवाना है हमें। रशीद साहब, रशीद साहब प्लीज बात तो सुनिए। रशीद साहब, रशीद साहब, संगठन वफाई अल हक और सरकार के बीच चल रही रसाकशी के खेल ने आखिरकार एक रुख ले ही लिया। सरकार ने संगठन की मांग को स्वीकार कर लिया है, वो कुख्यात आतंकवादी नावेद रब्बानी को रिहा करने के लिए राजी हो गई है। सरकार के इस फैसले से जहां आम लोगों को काफी धक्का लगा है, वहीं राजनीतिक पार्टियों ने भी अपना विरोध जताया है। उनका मानना है कि नावेद को छोड़कर सरकार देश को एक बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। सरकार का ये फैसला आतंकवादियों का हौसला बढ़ा सकता है और वो देश में अपनी गतिविधियां और तेज कर सकते हैं। चौधरी साहब, आपका फैसला बिल्कुल गलत है। एक खूंखार आतंकवादी को छोड़ रहे हैं आप। सरकार के इस फैसले ने हमारी पार्टी को कलंकित किया है। आपने देश की जनता को चोट पहुंचाई है चौधरी साहब। यह साइन करो। बस एक जान की हिफाजत के लिए हमने अपनी सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया है। अपनी बेटी के प्यार के लिए आप अपने फर्ज और जिम्मेदारी से हट गए। चौधरी साहब, आपसे हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं
इस वक्त आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। सर जितना मैं आपको जानता हूं, विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा है कि आप ऐसा फैसला कर सकते हैं। नहीं अमरजीत सिंह, यह फैसला मैंने सोच समझ कर लिया है। इसमें भी एक चाल है जो मैं इन सबको नहीं बता सकता। अभी तक ये आतंकवादी हमारे सीनों में गोलियां दागकर जमीन के नीचे बने बंकरों में छिप जाते थे। मैं चाहता हूं कि इस डील में एक बार वो खुले आसमान के नीचे हमारे सिपाहियों के निशाने पर तो आए। उन्हें नावेद रवानी नहीं, मौत मिलेगी मौत। मैंने पुलिस और आर्मी सबको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दे दिए। और आतंकवादियों पर चलने वाली कोई एक गोली अगर मेरी बेटी के सीने से भी गुजरती है तो कुछ देखी। तभी तक मेरी बेटी की जिंदगी खतरे में थी और अब मैंने उसे दांव पे लगा दिया है। दरवाजा खोलो। जी सर। चलो अंदर। अंदर चलो। कमान सोल्जर्स, कमान कमान मूव फास्टर फास्टर, कमान कमान माउंट योर गन्स इमीडिएटली, कमान कमान कमान, जल्दी करो जल्दी करो। भाई का काफिला भी अभी मिलिट्री कैंप से निकल चुका है। कमांडर, काफिला ब्रिज पार कर रहा है। चीफ की मौत का सौदा नहीं कर सकते। तुम्हें इस वक्त सोचना चाहिए, उसकी जिंदगी के लिए यहाँ इसका जिंदा रहना जरूरी है। नुसरत, ठीक कह रहे नुसरत, ये वक्त जुनून से नहीं होश से काम लेने का है। हमें जानना चाहिए कि वो चाहता क्या। नुसरत,
बता के अपने रशीद कहाँ है। मार ले जितना मारना है, वो लड़की तो मरेगी ही, साथ साथ तू भी मरेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि आपके बेटे की प्रॉब्लम क्या है। आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए हमने पूरी की पूरी तैयारियां कर रखी थी, नावेद को उठाकर उसने सारा खेल बिगाड़ दिया। चौधरी साहब, उसने नावेद को उठाकर आपकी बेटी की जिंदगी बचाई है, और मुझे तो आपका प्लान बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। अगर उसने नावेद को उठाया तो क्या उससे दोस्ती करेगा, उसे अपने गले लगाएगा? नहीं चौधरी साहब, नहीं। अब तो मुझे लगता है कि अजय अपनी किसी गलती को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो सब कुछ ठीक कर लेगा। अजय, तुझे पता है तू क्या कर रहा है? नावेद को उठा लेने के बाद तूने उन लोगों को और उकसा दिया। अजय, अब अनीता की जिंदगी को खतरा और बढ़ गया। वो लोग उसके साथ कभी भी कुछ भी। अनीता को खरोच तक नहीं आएगी। वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं नावेद की गर्दन मेरे हाथ में है। अजय, तू चाहता क्या है? बोलो, मेरी एक भूल की वजह से मैं सब कुछ खो बैठा हूँ। मेरे नाम के साथ देशद्रोही जुड़ गया है। मेरी वजह से मेरे बाबूजी का सर शर्म से झुक गया है। अब अगर नावेद उन तक पहुंच गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तू बता मुझे क्या करना है। मैं चाहता हूँ कि तू मेरी बात उन तक पहुंचाए। देख अजय, उनके ठिकानों और कैंप के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता है। हाँ, उन तक मैसेज पहुंचाने का एक जरिया है मेरे पास। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। रशीद साहब के लिए ये संदेशा है, ये चिट्ठी आप उन तक पहुंचा दीजिएगा। तुम्हारा आदमी ठीक ठाक है, जिंदा है अब तक। मैंने उसे इसलिए उठाया क्योंकि मैं अपनी गलती खुद सुधारना चाहता था। तुम उस लड़की को लेकर सराफा बाजार में आ जाओ, लड़की मुझे सौंप दो और मैं तुम्हारा आदमी दे देता हूं। आज शाम ठीक 7 बजे अजय कॉल। बाजार से चाय आई है। शक्ति, शक्ति, शक्ति। मुझे इस नंबर पर फोन करो। तुम लोग यहीं रुको, यहाँ नजदीक कोई फोन है भैया। आज वो आगे मंदिर के पास। Thank you.
24 घंटे का वक्त दिया है। अगर तूने उनका आदमी नहीं लौटाया तो इस बार स्कूल की खाली बस नहीं बच्चों से भरी हुई बस उड़ेगी। ठीक है, 24 घंटे में मैं उनका आदमी लौटा दूंगा, लेकिन उनसे कहना अनीता चौधरी को साथ लेकर आओ। कामयाब हो गए नावे, हाँ कामयाब हो गए। लाओ मेरे को तो मैं खोलता हूँ। अरे भाई उसने धोखा दिया हमको, धोखा दिया। जल्दी कर, गाड़ी चलने वाली है, जल्दी करो लाओ। नहीं करती अगर मेरी जिंदगी दांव पर लगी होती और उसके बदले में कोई तुम्हें कुछ करने के लिए कहता तो तुम क्या करती? तुम भी वही करती जो मैंने किया। अनीता, ये गाड़ी तब तक रुकनी नहीं चाहिए जब तक मैं ना कहूं। Thank you.
Yeah!
लीजिए बेटा, तू ठीक तो है? जी डैडी। अजय कहाँ है? वजह से आपको कितनी तकलीफ। तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है मुझे सब पता चल गया है। जानते हो तुमने यह गलती क्यों की थी? क्योंकि तुम्हें यह लड़ाई लड़नी थी, और अगर तुम यह लड़ाई हार जाते तो मारे शर्म के मेरा सर झुक जाता। लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि जीत तुम्हारी होगी। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन, I am proud of you। अजय, मैं अब भी तुम्हारे लिए कहीं से भी छलांग लगा सकती हूं। हम सफर के